ये देखो क्या सवाल पूछे इन्होंने हम बिस्तरी का शरी तरीक़ा मोहम्मद रफ़ी साहब पूछ रहे हैं मैं बता नहीं रहा कहाँ से हैं ताकि ऐसा ना हो उनके घर वाले जान लें मेरी अन करीब शादी होने वाली है मुझे जौजा से से रबत का सुनना तरीका बता दें ये सवाल हया के ख़िलाफ़ है और मैं हया के खिलाफ सवाल ना पढ़ता हूँ ना उसके जवाब देता हूँ लेकिन चूंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं तो मैंने हिम्मत करके आज ये पढ़ लिया है और इसमें लोग गलत गाइड भी कर रहे हैं तो इसलिए मैं इसका जवाब दे रहा हूं कि इस्लाम में कोई ख़ास तरीक़ा नहीं है इसका इस पर फालतू किताबें लोगों ने लिखी हुई हैं पता नहीं क्या क्या वो ऐसे ही लोगों की आ रहा है तो ये चीज़ नेचुरल है जैसे कोई पूछे खाना खाने का तरीका क्या है तो भाई मुंह में निवाला डाल के चबाओ निगल लो खुद ब खुद फितरत सिखाती है इंसान को तो ऐसी सोजा के करीब फितरत ख़ुद सिखा देती है हाँ शरीयत ने जिस तरीक़े को हराम करार दिया है वो सबको मालूम है कि जो है वो अल्लाह ताला ने जो मैंने जो ये जो जो जो, जो, जो बदकार लोग जिस तरह से करते हैं जो लड़कों से बदफेली करने वाले लोग हैं वो तरीक़ा हराम है तो बाकी अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी का मामला रखा है एक दूसरे का लिबास है तो कमरे की बातें हैं वो वो जैसे चाहे मुनासिब समझे वो उनका अपना अमल है इसका कोई खास तरीक़ा नहीं है और ये नेचर इंसान को खुद सिखाती है ना ये तरीक़े ना किसी से सीखने की ज़रूरत है बाज़ लोग तो हद 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 दर्जे की बेशर्मी करते हैं वो शादी से पहले जो है वो फोश फिल्में देखते हैं ताकि हमें तरीक़ा आ जाए ये इंतहाई दर्जे की बेहूदगी है इंतहाई दर्जे की एक लानती अमल है तो ये कोई ख़ास तरीका नहीं है मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है वो जिस तरह से एक दूसरे को सेटिस्फाई कर सकते हैं वो कर लें ताकि उनकी तवज्जो किसी और तरफ ना जाए वो हलाल की तस्किन उनकी बंद कमरे के अंदर हो जाए और ये बातें लोगों से शेयर भी नहीं करनी चाहिए आज ये भी एक हरामकारी हो रही है मैं बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए कि ये और मेरे पास कोई हल्का लफ्ज़ नहीं है वो क्या होता है कि मर्द अपनी सौजा से हम बिस्तरी करके उसके राज दोस्तों के सामने फाश कर रहा होता है मैंने ऐसे किया मैंने ऐसे किया लड़कियाँ बता रही होती हैं अपनी फ्रेंड्स को कि मेरे शोहर ने मेरे साथ ऐसे किया ये बहुत लानतीमल है आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरत अपने शोहर के राज या शोहर बीवी के राज फ़ाश करता है उस पर लानत है हदीस का मफूम है ये तो ये बंद कमरे की मियाँ बीवी की बातें जिस तरह से वो एक दूसरे को सेटिसफाई कर सकते हैं वो करें एक दूसरे के लिए वो हला लें और बस वो तरीक़ा जो लड़कों से बतफेली वाला तरीक़ा है वो तरीक़ा इस्लाम में हराम है